नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गोंडा से बड़ी खबर आ रही है, अपर पुलिस अधीक्षक ने ली बैठक, एसडीएम तरबगंज भी बैठक में हुए शामिल और दीपोत्सव को लेकर की समीक्षा बैठक। पुलिस अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश, कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के निर्देश दिए। अयोध्या के सरयू घाट पर होगा भव्य दीपोत्सव। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। गोंडा में अपर पुलिस अधीक्षक ने ली बैठक, दीपोत्सव को सफल बनाने के निर्देश दिए और अयोध्या के सरयू घाट पर भव्य आयोजन होगा, इसको लेकर अपर पुलिस अधीक्षक ने बैठक ली और इस बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कहा अयोध्या के सरयू घाट पर भव्य आयोजन होगा, इसको लेकर सभी तरह की तैयारियां पूरी रहनी चाहिए और पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। गोंडा में अपर पुलिस अधीक्षक ने ली बैठक, दीपोत्सव को सफल बनाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि अयोध्या के सरयू घाट पर भव्य दीपोत्सव होगा, इसको लेकर लगातार शासन प्रशासन की तैयारियां जारी हैं और इसको लेकर सुरक्षा को लेकर भी लगातार तैयारियां की जा रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गोंडा से, ये तस्वीरें जहां पर गोंडा में अपर पुलिस अधीक्षक ने बैठक ली और इस बैठक में पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया किस तरीके से चौकन्ना रहना है और क्योंकि सभी की निगाहें अयोध्या पर ही टिकी होंगी, अयोध्या में अयोध्या के सरयू घाट पर भव्य आयोजन होगा, इसको लेकर तैयारियां एकदम पूरी और सटीक रहनी चाहिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गोंडा से, अपर पुलिस अधीक्षक ने ली बैठक, एसडीएम तरबगंज भी बैठक में हुए शामिल, पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया। आपको बता दें कि अयोध्या के सरयू घाट पर भव्य दीपोत्सव होगा, इसको लेकर लगातार शासन प्रशासन की तैयारियां जारी हैं। कन्नौज में धनतेरस और दीपावली को लेकर लोगों में खुशी का माहौल है, जहां प्रशासन ने बाजारों में भीड़ को देखते हुए कई इलाकों में पुलिस के साथ पीएसी को मुस्तैद किया। आपको बता दें कि एसपी कुंवर अनुपम सिंह भी भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगातार मुआयना कर रहे हैं। इस दौरान एसपी ने कहा कि पुलिस फोर्स के साथ पीएसी को भी बाजारों की निगरानी में लगाया गया। वहीं उन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से दीपावली मनाने के लिए भारी मात्रा में फोर्स तैनात है। आगामी धनतेरस और दीपावली पर्व के अवसर पर त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल का बंदोबस्त किया गया है। विभिन्न विभागों के समन्वय के साथ में अच्छी व्यवस्था बनाई जा रही है, साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से पीएसी की कंपनियां अतिरिक्त रूप से व्यवस्थापित की गई हैं। जो आतिशबाजी पटाखे के विक्रय केंद्र हैं वे अग्निशमन विभाग के साथ समन्वय करके चिन्हित कर लिए गए हैं और आग से सुरक्षा के समस्त बंदोबस्त वहां पर सुनिश्चित किए गए हैं। बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है, अवैध पटाखों पर पुलिस की कार्रवाई, करीब 1,00,000 रुपए के अवैध पटाखे जब्त किए गए। दीपावली पर बाजार में बेचने की फिराक में थे पहासू, पुलिस ने दिया कार्रवाई को अंजाम। मोहल्ला छपेटी के एक घर में से पकड़े गए पटाखे, इस वक्त की बड़ी खबर। अवैध पटाखों पर पुलिस की कार्रवाई, करीब 1,00,000 रुपए के अवैध पटाखे जब्त किए गए। दीपावली पर बाजार में बेचने की फिराक में थे और पहासू पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। मोहल्ला छपेटी के एक घर से पकड़े गए पटाखे, बड़ी खबर। अवैध पटाखों पर पुलिस की कार्रवाई, बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें करीब 1,00,000 रुपए के अवैध पटाखे जब्त किए गए हैं। दीपावली पर बाजार में बेचने की फिराक में थे पटाखे और पहासू पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। मोहल्ला छपेटी के एक घर से पटाखे जब्त किए गए, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। बुलंदशहर से आपके सामने
आपको बता दें कि अवैध पटाखों पर पुलिस की एक कार्रवाई, करीब 1,00,000 रुपए के अवैध पटाखे पुलिस ने जब्त किए। दीपावली पर बाजार में बेचने की फिराक में थे पहासू, पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। मोहल्ला छपेटी के घर से ये पटाखे जब्त किए गए। रायबरेली में रोटरी क्लब और इनर व्हील क्लब के संयुक्त में इंडिया और दीपावली उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान रोटरी क्लब के अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव ने चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण डांडिया और गरबा नृत्य रहा, जिसका लोगों ने खूब लुत्फ उठाया। इस मौके पर विविध प्रतियोगिताओं में प्रीति गुप्ता, विवेक गुप्ता, प्रभात श्रीवास्तव, अक्षिता दृष्टि, माधव सौंदर्य का प्रदर्शन सराहनीय रहा। वहीं रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष SL चांदवानी, अतुल भार्गव, विमल तलब्रेजा ने विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। और इस अवसर पर सुरेश चौधरी, कपिल कपूर, अभिषेक गोयल समेत कई लोग मौजूद रहे। तो रायबरेली में डांडिया गरबा नृत्य का आयोजन किया गया, लोगों ने खूब उठाया लुत्फ, चाइनीज सामान का बहिष्कार किया गया। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। सरोजनी नगर में ढाबे में लगी आग, कुछ ही मिनटों में ढाबा जलकर हुआ खाक। सूचना के बाद पहुंची दमकल की गाड़ियां, मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। सरोजनी नगर में ढाबे में लगी भीषण आग, कुछ ही मिनटों में ढाबा जलकर हुआ खाक। सूचना के बाद पहुंची दमकल की गाड़ियां, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, तस्वीरें आप देख रहे हैं सरोजनी नगर की तस्वीरें, जहां पर ढाबे में लगी भीषण आग। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आग जरी में किस तरीके से कितना नुकसान ढाबा मालिक को हुआ होगा। बताया जा रहा है कि आगजनी में पूरा ढाबा जलकर खाक हो गया। और सूचना के बाद पहुंची दमकल की गाड़ियां और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से आपके सामने। कुछ ही मिनटों में ढाबा जलकर खाक हो गया। सरोजनी नगर में ढाबे में लगी आग, कुछ ही मिनटों में ढाबा जलकर खाक हो गया। सूचना के बाद पहुंची दमकल की गाड़ियां, मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर लखनऊ से, तस्वीरें आप देख रहे हैं। सरोजनी नगर के ढाबे में आग लगी, कुछ ही मिनटों में ढाबा जलकर खाक हुआ। सूचना के बाद पहुंची दमकल की गाड़ियां, मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। शॉर्ट सर्किट इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। तो सरोजनी नगर में ढाबे में लगी भीषण आग, तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ ही मिनटों में ढाबा जलकर खाक हो गया। सूचना के बाद पहुंची दमकल की गाड़ियां और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि इस आगजनी में काफी नुकसान हुआ, पूरा ढाबा जलकर खाक हो गया। चलिए अब खबर पटना से है। सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्ष 2022 में राज्य के सूखा प्रभावित जिलों के प्रभावित परिवारों को विशेष सहायता दी और वितरण कार्यों का शुभारंभ किया। राज्य के 11 सूखाग्रस्त जिलों में आने वाले सभी प्रभावित परिवारों को विशेष सहायता के रूप में गैजुट रिलीफ 3,500 रुपए प्रति परिवार को दिया।
ये राशि सभी परिवारों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है। इस अवसर पर सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि छठ से पूर्व सभी प्रभावित परिवारों के खाते में राहत राशि का हस्तांतरण अवश्य कराएं, कोई भी प्रभावित परिवार छूटे नहीं। विभाग के अधिकारी और सभी जिलों के जिलाधिकारी इस कार्य को जल्द कराएं। बांका जिले के अमरपुर में नए निबंधन कार्यालय का उद्घाटन लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज और बांका सांसद गिरधारी यादव ने किया। अमरपुर कार्यालय से बांका जिले में 5 प्रखंड शंभुगंज, अमरपुर, फुल्ली, डूमर, धोरैया और रजौन प्रखंड का जमीन और शादी विवाह का निबंधन होगा। और मंत्री जयंत राज ने बताया कि इस कार्यालय के खुलने से जिला मुख्यालय पर भार कम होगा और अमरपुर बाजार के लोगों का कारोबार बढ़ेगा, जिससे इन 5 प्रखंडों के लोगों का समय बचेगा। तो लोगों का कारोबार बढ़ेगा, निबंधन कार्यालय का उद्घाटन किया गया। बांका से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बांका जिले के अमरपुर में नए निबंधन कार्यालय का उद्घाटन लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज और बांका सांसद गिरधारी यादव ने किया। अमरपुर कार्यालय से बांका जिले में 5 प्रखंड शंभुगंज, अमरपुर, फुल्ली डूमर और धरैया और रजौन प्रखंड का जमीन और शादी विवाह का निबंधन होगा। मंत्री जयंत राज ने बताया कि इस कार्यालय के खुलने से जिला मुख्यालय पर भार कम होगा और अमरपुर बाजार के लोगों का कारोबार बढ़ेगा, जिससे इन 5 प्रखंडों के लोगों का समय बचेगा। अमरपुर में रजिस्ट्री कार्यालय की शुरुआत हो गई है, अभी इसका विधिवत उद्घाटन भी हो गया है और आज से अमरपुर कार्यालय में 5 प्रखंड का जो है रजिस्ट्री होगा और इससे जो है अमरपुर में व्यावसायिक रूप से काफ़ी फायदा मिलेगा और खास करके अमरपुर प्रखंड और अमरपुर विधानसभा के लोगों को ये एक दीपावली और धनतेरस की एक बड़ी सौगात अमरपुर को मिला है। दीपावली महोत्सव को लेकर अयोध्या में तैयारियां शुरू हो गई हैं। दीपावली त्योहार के अवसर पर श्री राम की नगरी अयोध्या को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। अयोध्या में इस बार छोटी दीपावली पर 17 लाख दीपक जलाए जाएंगे। इस दीपकोत्सव में पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे, तो तैयारियां लगातार इसको लेकर हो रही है। दीपावली महोत्सव को लेकर अयोध्या में तैयारियां शुरू हो गई हैं। दीपावली के त्योहार के अवसर पर श्रीराम की नगरी अयोध्या को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। अयोध्या में इस बार छोटी दिवाली पर 17 लाख दीपक जलाए जाएंगे। इस दीपोत्सव में पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे। दीपावली में सजेगी श्रीराम नगरी, भव्य दीपोत्सव का आयोजन होगा, 17 लाख दीपक जलाए जाएंगे। लगातार शासन प्रशासन की तैयारियां इसको लेकर जारी हैं, तो जगमगाएगी श्री राम की अयोध्या। बलरामपुर के हनुमान गढ़ी मंदिर में हनुमान जयंती महोत्सव का शुभारंभ किया गया। हनुमान जयंती महोत्सव में प्रतिदिन पूजन अर्चना के साथ प्रवचन कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा और 26 अक्टूबर को विशाल अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया जाएगा। गत वर्षों के बाद हनुमानगढ़ी मंदिर बलरामपुर में हनुमान जयंती महोत्सव का आयोजन हो रहा है। हनुमानगढ़ी मंदिर व अयोध्या
राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष परम पूज्य सदगुरुदेव स्वामी नृत गोपाल दास जी महाराज व मणि रामदास छावनी के उत्तराधिकारी हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत सदगुरुदेव भगवान पूज्य श्री कमल नयन दास जी महाराज की अध्यक्षता में बड़े ही धूमधाम से आज महारुद्राभिषेक वैदिक विद्वानों के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। तो हनुमान जयंती महोत्सव को लेकर आपको बता दें, रुद्राभिषेक के साथ इस महोत्सव की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में त्योहारों को लेकर पुलिस और पीएसी के जवानों की ओर से मुख्य बाजारों में पैदल मार्च निकाला गया। पुलिस ने भीड़भाड़ वाले स्थानों पर गहनता से चेकिंग भी की और रोड किनारे पटरी पर दुकान लगाने वाले व्यापारियों को भी निर्देशित किया गया कि वो पटरियां खाली कर दें। पुलिस ने निकाला पैदल मार्च, आगामी त्योहारों को लेकर मार्च निकाला, मुख्य बाजारों में चेकिंग की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बलरामपुर की। त्योहारों को लेकर लगातार शासन प्रशासन की तैयारियां जारी हैं और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से लगातार चेकिंग की जा रही है। आगामी त्योहारों को लेकर मार्च निकाला गया, मुख्य बाजारों में चेकिंग की गई। दीपावली का उत्सव प्रारंभ होने वाला है, धनतेरस और छोटी दिवाली बड़ी दिवाली, उसको दृष्टिगत रखते हुए शांति व्यवस्था हेतु हम लोग पूरे मार्केट क्षेत्र में, नगर के मार्केट क्षेत्र में पैदल गश्त कर रहे हैं, जिसमें कोतवाली नगर और पीएसी के साथ हम लोग पूरे मार्केट में पैदल गश्त करेंगे। एटा में एक सिपाही और ट्रक के ड्राइवर के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सिपाही और ट्रक ड्राइवर के बीच गाड़ी हटाने को लेकर विवाद हुआ। मारपीट की घटना हाथी गेट चौराहे की बताई जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिपाही और ड्राइवर के बीच मारपीट हुई और गाड़ी हटाने को लेकर ये विवाद हुआ। गोंडा में खाद्य विभाग ने एक फैक्ट्री में छापा मारकर नकली सरसों तेल की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। खाद्य विभाग ने छापेमारी करते हुए 1095 लीटर नकली सरसों के तेल को जब्त किया। खाद्य विभाग ने फैक्ट्री संचालकों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो नकली सरसों तेल फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, खाद्य विभाग ने छापेमारी की। आपको बता दें कि इस फैक्ट्री से 1095 लीटर नकली तेल जब्त किया गया। खाद्य विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है, नकली सरसों तेल फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और खाद्य विभाग ने इस छापेमारी में 1095 लीटर नकली तेल जब्त किया। खबर गोंडा से है, जहां पर एक युवक शुक्रवार को तहसील कार्यालय परिसर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक का आरोप है कि उसके गांव के बीच में एक दुर्गा मंदिर है, जिसको 5 साल पहले ग्रामीणों के सहयोग से बनवाया गया था, जहां एक कथित पुजारी बनकर मंदिर के भूमि पर मकान बनाने लगा। राजस्व विभाग से वास्तविक जानकारी करने के बाद सुरेंद्र गांव वालों के साथ जाकर निर्माण कार्य रोका तो अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। इसी मामले में न्याय न मिलने पर युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया और कूदने की धमकी देने लगा।
लखनऊ में दिवाली और धनतेरस के त्योहार पर छात्राओं ने रंगोली बनाई। आपको बता दें कि पुराने लखनऊ की ऐतिहासिक इमारत घंटा घर पर खुनखुन जी गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने रंगोली बनाकर रंग बिखेरे। BA/BD/BEd की छात्राओं ने रंगों से प्यार और भाईचारे का संदेश देते हुए ये रंगोली बनाई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीए और बीएड की छात्राओं ने रंगोली बनाई। तो धनतेरस पर छात्राओं ने बनाई रंगोली। BA/BEd के छात्राओं ने रंगोली बनाई भाईचारे का संदेश देते हुए, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लखनऊ की तस्वीरें हैं जहां पर छात्राओं ने रंगोली बनाई। दीपावली पर्व को लेकर स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने का काम शुरू किया जा रहा है। नगर आयुक्त ने सभी वार्डों में तत्काल नई लाइट्स लगवाने और खराब लाइट्स को ठीक कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर निगम की 16 टीम दीपावली में लाइट व्यवस्था को ठीक करने का काम कर रही है। बरेली में मंडलायुक्त संयुक्ता समददार ने मानसिक समीक्षा बैठक आयोजन किया। बैठक में मंडलायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा की। मंडलायुक्त ने अपर निदेशक स्वास्थ्य को निर्देश देते हुए कहा कि जिलों में COVID-19 की बूस्टर डोज लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। साथ ही मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाए जाने की स्वयं मॉनिटरिंग करें। बैठक में जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि धान खरीद में स्थापित क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर और वहां की व्यवस्थाओं में कोई कमी न रहे और किसानों को धान विक्रय करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। बरेली जिलाधिकारी शिवकांत द्विवेदी की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान MLC कुंवर महाराज सिंह ने बताया कि फरीदपुर से लेकर ITBP तक की सड़क जर्जर हो गई है, जिसमें सुधार करने की जरूरत है, जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि सड़कों को सही कराने के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है, जल्द ही कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें। नमस्कार।